Alright guys, welcome back to my channel. So today we have the most awaited bike of India, which is Triumph Scram 400X. और यहाँ पे हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे हैं. दिस इज़ कुंबड़ेवाड़ी एंड कुंबड़े वाटरफॉल जो है यहाँ पे नीचे है. एंड थोड़ा सा हम लोग आगे आए हैं और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है. और उसी के साथ में ये जो बाइक है हम लोगों को मिल चुकी है फाइनली ग्रीन कलर में. तो इसके बारे में अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद में यहाँ से इसको ड्राइव करके लेके जाएंगे वापस. एंड यहाँ से जो आप लोगों को ओवरऑल लुक है वो दिखा देता हूँ पहले, जो एक आप लोगों को वॉक अराउंड दे देता हूँ. एंड उसके बाद में ड्राइव करते टाइम में हम लोग स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे. फ्रंट साइड से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट में मिल जाएगा आप लोगों को LED लाइट्स यहाँ पे, एंड उसी के साथ में रेडिएटर ग्रिल मिल रहा है. ये वाला एक प्लास्टिक है, स्टील वाला नहीं है, बट एड ऑन एक्सेसरीज आती है, ये आप इसमें लगवा सकते हो. ट्रायम्फ की जो ऑफिशियल एक्सेसरीज आती है. देन उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो LED लाइट्स मिल जाती है, साइड में USD फोक सस्पेंशन है. तो यहाँ पे दोनों ही MRF के टायर्स मिल जाते हैं आप लोगों को. और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है आगे दोनों ही साइड में. और इसका जो लुक है ना काफ़ी अच्छा आ रहा है, ग्रीन मैट फिनिश आ रहा है. तो इसका जो व्हील बेस है दैट इज़ 1417 एंड स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा है आई गेस. एंड उसी के साथ में आप लोगों को ये जो ग्रीन मैट कलर मिल रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, स्पेशली ये बैकग्राउंड के साथ में काफ़ी जा रहा है ग्रीन. और ये जो आप लोगों को USD फोक सस्पेंशन जो मिल रहा है ये गोल्डन इसके पूरी बाइक के लुक के साथ में बहुत अच्छा मैच कर रहा है. देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे आ जाते हैं, ये पूरा पाउडर कोटिंग ब्लैक कलर में आप लोगों को इंजन मिल जाता है ट्रायम्फ का इसका बैजिंग के साथ में. और जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो हल्का सा वाइड किया गया है इसमें, एंड जो अच्छा एग्जॉस्ट में जो है बेस दे रहा है. और यहाँ पे जो है ड्यूअल टाइप सा एग्जॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को. और इसका अभी आप लोगों को थोड़ी देर में एग्जॉस्ट नोट भी सुनाएंगे. यहाँ पे आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है इसकी, स्क्रैम्बलर 400X. तो ये वाला है, ये प्लास्टिक पार्ट है, बट इसका फिनिशिंग इतना अच्छा है कि ऐसे मतलब मेटल वाला फिनिश आ रहा है. और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे आगे जो है मिरर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे भी है. और यहाँ पे नकल गार्ड्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ये प्लास्टिक है. देन यू कैन गो फॉर द बाग बस्टर अगर आफ्टर मार्केट में अगर आप लोग एक्सेसरीज लगवा रहे हो. अगर इसको कंपेयर करेंगे स्पीड 400 से, तो इसमें एक तो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊपर है, उसमें जो आप लोगों का हैंडल बार आता है दैट इज़ एल्यूमिनियम, और इसमें जो है वो स्टील का आ जाता है. इसमें थोड़ा सा वेट ऐड किया गया जिससे आप लोगों को थोड़ा सा वाइब्रेशन और कम फील हो, तो वो चीज़ एक अच्छी इसमें ऐड की है. और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे इधर वाले साइड का लुक दिखा देते हैं. इधर पे आप लोगों को इस तरीके से कुछ मिल रहा है, यहाँ पे बाकी आप लोगों को कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो भी लाइट के रहते हैं. इसी के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और अच्छी मिलती है यहाँ पे, जो कि है USB-C टाइप. तो काफ़ी सारी बाइक्स में USB-2 मतलब आप लोग जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट इसमें जो है वो सी टाइप मिल रहा है यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो. अच्छा है, लोकेशन भी बड़ा सही है, यहाँ से आप लोग अगर रैम माउंट लगाते हो ना तो आराम से ईजिली आप लोग अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो. तो यहाँ पे आप लोगों को जो स्क्रैम वर्जन में है बेसिकली आप लोगों को हैंडल बार के साथ में ये क्रॉस बार मिल रहा है, और उसी के साथ में ये जो है आप लोगों को एक्सेसरीज मतलब जितनी भी इस बाइक में लगी हुई है बेसिकली वो आप लोगों को 2.62 जो एक्स शोरूम इसका प्राइस है उसमें आने वाली है. उसमें ये भी चीज़ इंक्लूडेड है, ये आप लोगों को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है. देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे इग्निशन बटन मिल जाता है, आप लोगों को इंडिकेटर बटन मिल जाता है, और यहाँ पे मिलता है आप लोगों को डिस्प्ले. सारे इंडिकेशन लाइट्स जो हैं यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी. देखो अगर यहाँ पे जलती है तो ये सारी इंडिकेशन लाइट्स है ओडोमीटर पे आप लोगों को दिख जाएगा. एंड देन उसके बाद में इधर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को साइड ग्रिप्स भी मिल जाती है. सीट क्वालिटी की अगर बात करें, सीट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब यहाँ पे आप अगर प्रेस करके अगर इसको देखोगे तो मतलब इतनी बेटर सीट मैंने अभी तक इस रेंज की बाइक में नहीं देखी है. मतलब जिस हिसाब से उन्होंने सीट डिज़ाइन की है, परफेक्ट फॉर सिटी एंड लॉन्ग टूरिंग. क्योंकि अगर आप लोग लेके जाते हो बाइक, थोड़ा सा स्टिफ रहता है जैसे कंपेयरिंग टू KTM 390 एडवेंचर राइड, तो उसमें जो है सीट थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा लंबा जा सकते हैं, बट देन अगेन यू नीड द एड ऑन एक्सेसरी की जिसमें आप लोगों का जो एयर भर के पूरा सीट फिक्स कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को जो कूलेंट टैंक जो मिल जाता है वो आपका बैश प्लेट जो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट फिक्स आ रही है मेटल की बैश प्लेट है उसके पीछे साइड में है. तो अच्छा है, मतलब ये चीज़ एक्सेसरी उन्होंने ऐड ऑन आप लोगों को लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दी हुई है. और इसकी क्वालिटी देखो, मतलब काफ़ी हैवी बिल्ट है. और इसी के साथ में आप लोगों का जो ये हॉर्न वाला है ये यहाँ पे लगा हुआ है. देन पीछे इसमें बाकी बात करें अगर पीछे की, तो यहाँ पे आप लोगों को देन साड़ी गार्ड मिल जाता है अभी के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरी रहता है ये. और उसी के साथ में आप लोगों को ये ग्रैब रेल मिल जाता है जिससे कि आप लोगों को
होल्ड जो है बाइक का इजीली कर सकते हो। वेट वाइज देखा जाए तो इसका वेट स्पीड 400 से 9 केजी ज़्यादा है। जो स्पीड 400 का वेट है दैट इज़ 176 और इसका जो वेट है 186 ड्राई वेट की मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा वेट बढ़ाया गया है बट देन उसके साथ में जो भी चीज़ें एक्सेसरीज इसमें मिल रही हैं वर्थ हैं। स्टॉक मॉडल में आप अच्छे से आराम से टूरिंग कर सकते हो। देन उसके बाद में मेरे को एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को टेल लाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेल लाइट काफ़ी बाइक्स में लोग आफ्टर मार्केट में लगाते हैं बट ये जो इसका लुक आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है। एंड स्पेशली इसमें जो साथ में जो ट्रायम्फ की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है ना वो चीज़ बहुत सही लग रही है। आप लोगों को थोड़े से पार्ट्स में ऐसे टच करके बताता हूँ देन यू विल गेट टू नो द क्वालिटी। ये वाला पूरा मेटल है। देन उसके बाद में ये आप लोगों को टेल टिडी आ जाती है और टैंक जो है टैंक इज़ मेटल। तो एक चीज़ इसमें अच्छी है कि आप लोग या तो ट्रायम्फ की एक्सेसरी ले सकते हो जो टैंक बैग आप लोगों को आ जाता है, अदरवाइज यू कैन यूज़ द मैग्नेटिक टैंक जैसे राइनॉक्स और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनका सबका आता है, तो टूरिंग के लिए आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ था ओवरऑल वॉक अराउंड बाइक का। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करके। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी बेसी है, चलने में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब चलाने में मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को इसमें। और इसके बाद में ये भी चीज़ आप लोगों को ट्रायम्फ की आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी मिल जाता है, उसका भी साउंड और लाउड है। वो अभी हम लोग अपना बेस लोकेशन पे जब पहुंचेंगे तब आप लोगों को उसका भी दिखाएंगे। यहां से हम लोग वापस जाएंगे रुद्रा रिजॉर्ट जहां पे हम लोग स्टे कर रहे थे और अभी है ये बाइक मेरे हाथ में तो यहाँ से दौड़ा के चलेंगे एंड उसके बाद में आप लोगों को जो भी है इसकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे। सो थोड़ा सा यहाँ पे इस लोकेशन पे चिल करने के बाद में हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं रुद्रा रिजॉर्ट जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे। यहाँ से डिस्टेंस रहेगा लगभग अराउंड 35 किलोमीटर्स, एक घंटा लगने वाला है क्योंकि रोड थोड़ा सा पैची है एंड वील गेट टू नो द एक्चुअल राइड एक्सपीरियंस ऑफ दिस ट्रायम्फ स्क्रैम 400X। तो यहाँ से निकलते हैं। सीट हाइट की अगर बात की जाए ना तो काफ़ी इजी है इसको निकालना क्योंकि जो मेरे हाइट के हिसाब से जो है ना इसका बाइक का जो पोस्चर है मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, आराम से इजीली मुड़ जाती है। सो लेट्स रिपीट। तो एक चीज़ है देखो यहाँ पे आप लोगों का जो इंजन ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। आप लोग जब भी डाउन हिल में जा रहे हो तो आप लोगों को ऐसा फील नहीं होएगा कि लैगी है, कई कई बाइक्स में थोड़ा सा रहता है अगर आप इंजन ब्रेक करते हो तो हल्का सा लैगी लगता है, वो चीज़ मेरे को नहीं लगी अभी। एंड ये देखो यहाँ पे जो आसपास की लोकेशन है काफ़ी अच्छी है। और सस्पेंशन वाइज अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे थोड़ा सा झटके वाला है, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब सस्पेंशन वाइज अगर बात की जाए ना यहाँ पे तो इसका सस्पेंशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा हैवी बिल्ड है मेरा एंड उसके हिसाब से मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है बाइक। ओहो क्या मतलब अमेजिंग वाला रिस्पांस है। काफ़ी जो ब्रेक है ये देखो कॉर्नर पे आगे मैंने काफ़ी एंड पे लगाए हैं और जो स्पीड है क्या सही पिकअप है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो क्योंकि काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था कि स्पीड 400 में जो है वाइब्रेशन है। कल ब्रीफिंग में भी बात हुआ तो इस वाले जो बाइक में है स्पेशली वो डैम्पर लगाया गया है फुट पैक्स के पास में तो उसकी वजह से जो है आप लोगों का जो फुट पैक्स पे वाइब्रेशन था वो भी कम है। और कैन सी द थ्रॉटल रिस्पॉन्स, इसकी जो पावर डिलीवरी है दैट इज़ 48,000 RPM। तो हम लोग गए थे आगे वाली साइड में कुंभेवाड़ी और यहाँ पे कुंभे वाटरफॉल्स है, यहाँ से देखो आप लोगों को पानी भी दिख रहा होगा। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट ब्रेकिंग है, मतलब प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कहेंगे इसको, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है। तो आप लोग जब ऑफ रोड करते हो तो बहुत ज़्यादा भी अगर हार्ड प्रेस करते हो तो उसकी वजह से इशू होता है। ये देखो यहाँ पे पूरा पानी गिर रहा है मस्त एकदम।
ये पूरा एक टनल क्रॉस करके बेसिकली जाते हैं। तो अभी इस साइड आके ऑनलाइन आ गए हैं, 5G नेटवर्क पकड़ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना आसपास में क्या ब्यूटीफुल सी वादियाँ हैं यहाँ पे, एंड जन्नत से कम लोकेशन नहीं, जन्नत से कम जगह नहीं है ये महाराष्ट्र में। बहुत ही ब्यूटीफुल सी, जब रेनी सीजन होता है ना उसके बाद में जो यहाँ पे फील आता है घूमने में वो बहुत अलग है। इसमें राइडिंग मोड्स की बात करते हैं। राइडिंग मोड्स इसमें दो आ जाते हैं, एक तो आप लोगों का जो रोड मोड है और उसके अलावा जो ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड में ये जो पीछे वाला व्हील है उसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड ABS ऑफ कर देता है। जब आप लोग ऑफ रोड करते हो तो जो पीछे वाला जो टायर है वो थोड़ा स्किड करता है, एंड आप लोगों को जो आगे जो पुश देता है बेसिकली वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट कि आपको जो ऑफ रोडिंग में है प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या मस्त वाला एकदम ऑफ रोड चल रहा है। मन तो है बड़ा ये वाली बाइक बुक करने का, क्योंकि जो सिटी के लिए है मेरे पास में जो BMW 850 GS है सिटी के लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है, एंड उसको कंट्रोल करना मतलब लिटरली एक हाथी को पालना वैसा टाइप सा है। तो ये वाली बाइक है मेरे को कॉम्पैक्ट लगी, आप सिटी में इजीली जा सकते हो कहीं पे भी। जून जुलाई के मंथ में दो बाइक्स लॉन्च हुई थी, स्पीड 400 एंड स्क्रैम 400X। तो इन दोनों बाइक्स को देख के ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम बाइक्स हैं जो आती हैं जो इतना कैपेबल हों, और प्लस जो ट्रायम्फ का जो बिल्ड क्वालिटी मिलता है इन दोनों बाइक्स में वो चीज़ आप लोगों को बाकी बाइक्स में शायद ना मिले, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखोगे ना, सो देन दिस इज़ अ मेटल टैंक, पाउडर कोट जो किया हुआ इंजन मिलता है उसकी भी लुक बहुत अमेजिंग आती है। तो दोनों का जो प्राइस है बहुत ही बेहतरीन रखा गया है, 2,62,000 में आप लोगों को एक्स शोरूम बाइक ये मिल जाती है, और इसके साथ में इतनी सारी एक्सेसरीज जो मिलती है आप लोगों को स्टॉक बाइक में वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। इतनी सारी जो एक्सेसरीज आप लोगों को इस बाइक के साथ में मिल जाती है वही इस प्राइस में देना बहुत चैलेंजिंग है। एक तो चीज़ आप लोगों का नकल गार्ड्स है यहाँ पे जो आप लोगों को मिल रहा है, बेसिकली ये प्लास्टिक वाला मिल जाता है, बट एक इनिशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है इस बाइक के साथ में। इस बाइक में अलग चीज़ क्या है, स्पीड 400 से कंपेयर किया जाए तो ये है इसका जो हैंडल बार जो स्पीड 400 में आता था वो जो हैंडल बार है दैट इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम, और इसमें जो है स्टील है उसमें एक्स्ट्रा वेट इनसाइड में ऐड किया गया है जिससे कि जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा फील ना हो। और उसी के साथ में यहाँ पे जो क्रॉस बार है वो मिल जाता है थोड़ा सा, जब आप लोगों की बाइक अगर कहीं गिरती है तो इम्पैक्ट बचा लेता है, ये इस चीज़ को बेंड होने से बचाता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। देन उसके बाद में आप लोगों को जो साइड में ये ग्रिप भी मिल जाता है इसी के साथ में, ये भी स्क्रैम में वाइड फॉल्ट आ रहा है। देन नीचे जो आप लोगों की बात की जाए, नीचे जो इंजन गार्ड में कूलेंट बॉक्स जो है उसके आगे मतलब बैश प्लेट लगी हुई है, मेटल की बैश प्लेट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, आप लोगों को ओवरले में दिख रहा होगा, तो ये चीज़ है। एंड देन उसके बाद में ट्रायम्फ जो है काफ़ी सारी एक्सेसरीज लेके आती है इसके इस बाइक के साथ में। आप लोगों को टैंक बैग मिल जाता है, टेल बैग मिल जाता है, और देन उसके साथ में आप लोगों को जो पीछे जो सैडल बैग्स है वो मिल जाते हैं, दैट कम्स ऑन एडिशनल कॉस्ट जो आप लोगों का एक्स्ट्रा जो भी ट्रायम्फ चार्ज करता है। बेसिकली यू कैन कस्टमाइज योर बाइक एज़ पर योर नीड, ये जो है बेसिक मॉडल है, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी मिल रही हैं। 398 CC का जो इंजन है इसमें, दोनों में स्पीड में और इसमें जो है सेम इंजन है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एग्जॉस्ट है वो इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो आप लोगों ने स्पीड 400 में देखा होगा वो सिंगल एग्जॉस्ट है, इसमें लुक जो है उसका ड्यूअल एग्जॉस्ट है, बेसिकली एग्जॉस्ट पाइप जो है वो सेम ही है, और एग्जॉस्ट पाइप भी इसमें थोड़ा सा वाइड है, जो आप लोगों का एग्जॉस्ट पाइप का जो विड्थ है वो भी थोड़ा सा वाइड है, जो आप लोगों को इसमें जो एक एग्जॉस्ट नोट जो बेसी सुनने के लिए मिल रहा है ना वो बेसिकली उसकी वजह से आ रहा है। एंड देन उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्रैश गार्ड्स मिल जाते हैं साइड में, तो ओवरऑल जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं इतने प्राइस में। एंड प्लस उसके बाद में जो आप लोगों की सीट है,
सीट आप ओवरले में देख रहे हो तो सीट जो है इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है सीट का। मेरे को कुशनिंग काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ऑफ रोड में भी आराम से मैं बैठा हूँ, ग्रिप मेरी अच्छी आराम से हो रही है क्योंकि मेरी हाइट है 6 एंड उसके हिसाब से जब मैं इस बाइक पर बैठा हूँ तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से बेसिकली मैं बैठा हूँ एंड मेरे को कोई पेन वाला इशू नहीं है क्योंकि ऑफ रोडिंग थोड़ा सा भी करते हैं जैसे कि KTM 390 एडवेंचर हो गई बाइक, बाइक अच्छी है काफ़ी कैपेबल है बट उससे ऑब्वियसली नहीं कंपेयर कर सकते बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट टू द सीट क्वालिटी दे हैव गिवन जो इस वाली बाइक्स में है, जो सीट का कुशनिंग है वो ज़्यादा दिया गया है क्योंकि ये ज़्यादा ऑफ रोडिंग सेंट्रिक नहीं होती है, जो KTM 390 एडवेंचर है वो ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। सैडल करके राइड करके देखते हैं कि कैसा इसका जो सैडल पोजीशन है वो है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है और काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें हैंडल बार ऑलरेडी रेज्ड है, मेरी थोड़ी सी हाइट मतलब ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मेरे को हल्का सा बेंड करना पड़ रहा है, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'8" या 5'6" रहेगा तो आप लोगों को शायद बेंड ना करना पड़े, और ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल बार रेजर मतलब जो इनका लगा हुआ है क्योंकि स्क्रैम वर्जन है तो थोड़ा सा जो हैंडल बार है रेज रहता है इसका, तो उसकी वजह से आप लोगों को जो है ऑलरेडी हाइट एक हैंडल को पकड़ने के लिए मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टूरिंग के लिए आप लोगों को ईजी हो जाता है। देन सो फार सस्पेंशन इज़ गुड, आगे जो सस्पेंशन आ जाते हैं USD4 का आ जाते हैं, USD4 सस्पेंशन हो गए एंड देन पीछे आप लोगों का जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो ओवरऑल जो आप लोगों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइक का वो भी काफ़ी अच्छा है एंड सस्पेंशन बाइक के हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोड अभी बारिश के बाद में पूरा धुल गया है एंड उसके बाद में भी देखो आप मतलब इजीली अगर ड्राइव कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी काफ़ी लोगों के सवाल होंगे सर्विसिंग को लेके, तो इसका जो ट्रायम्फ का सर्विस जो है वो 16,000 किलोमीटर्स में होता है, फर्स्ट वाला सर्विस 1,000 किलोमीटर में हो जाएगा देन उसके बाद में आप लोगों का जो भी सर्विस है वो 16,000 के बाद में है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स में आप देखोगे ना 10,000 उसके या फिर नीचे ही रहता है एंड इसमें वो चीज़ नहीं है और आप लोगों को सर्विस जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है, इंक्लूडिंग आप लोगों का जो इंजन ऑयल है द कॉस्ट विल बी 2,056 ओनली, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी उसके बाद भी अगर आप लोग जनरल सर्विस का जो कॉस्ट है इतना पड़ रहा है देन इट्स अ गुड थिंग। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो जहाँ तक अभी तक जितना भी ड्राइव किया है थोड़ा सा जाते टाइम में थोड़ा सा आते टाइम में जो गड्ढे हैं वहाँ पे बाइक नहीं लग रही है, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है दैट इज़ 195 mm जो कि सिर्फ 5 mm कम है KTM 390 एडवेंचर से। अगर आप इसको हिमालयन 411 और BMW GS 310 से अगर कंपेयर करोगे तो उसमें जो है आप लोगों का ग्राउंड क्लियरेंस वो आ जाता है 220 mm का। तो काफ़ी लोगों का क्वेरीज आया था इसमें फोक व्हील्स आने वाले हैं कि नहीं, फोक व्हील्स इसमें नहीं आएंगे, इसमें जो है अलॉय वाला व्हील्स ही है एंड यही स्टैंडर्ड आता है, बाकी दूसरे में भी अगर आप देखोगे एड ऑन एक्सेसरीज में भी इनके पास में अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर आप आफ्टर मार्केट अगर वो चीज़ करवाना चाहते हो तो वो चीज़ करवा सकते हो। बाकी मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ऑलरेडी अभी तक के ब्लॉग में और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है दैट इज़ USB-C क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो USB-C to आपका जो फ़ोन का जो पोर्ट रहता है वो उस पर मूव कर रहे हैं, तो USB-C का एक तो फास्ट चार्जिंग रहता है आई गेस वो भी मोस्टली सपोर्ट करेगा, तो अगर आप लोगों के पास में आईफोन है तो देन यू कैन चार्ज योर फ़ोन ईजिली, यहाँ पे आपका रैम माउंट यहाँ पे कहीं पे भी लग जाएगा इस साइड में, थोड़ा सा जगह का कमी लग रहा है मेरे को यहाँ पे बट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन के आराम से हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे रोड आ गई तो थोड़ा सा रेव करते हैं। तो इसमें जो है 6-speed गियर बॉक्स आ जाता है, तो बाइक का जो स्मूथनेस है ना वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इंजन का जो स्मूथ फीलिंग आ रही है, ऐसा जर्की सा इंजन नहीं है, काफ़ी स्टेबल और जो वाइब्रेशन हल्की हल्की सी है बिल्कुल, मतलब उतनी आप लोगों को नोटिस में भी नहीं आएगी,
फुटपैक्स में जो है ऑलरेडी वाइब्रेशन डैम्पर डाला, तो जो स्पीड 400 से है इसमें ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसका एक चीज़ अच्छी लगी कि मैं फिफ्थ गियर में भी था एंड उसके बाद में भी अगर मैं रेव कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बाइक को बहुत जान लगानी पड़ रही हो, मतलब ईजिली आराम से रेव करके बराबर सेम RPM पे जो है वो स्पीड रिटेन कर पा रही है। तो कुछ इस तरीके का था आज का इस बाइक का फीडबैक। एंड अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों को कौन सा बाइक का कलर पसंद आया है। आई एम डेफिनेटली अप फॉर दिस मैट ग्रीन मॉडल, क्योंकि जो इसका लुक है ना वो अलग आ रहा है, मतलब थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड वाली फील हो रही है, तो वो चीज़ अच्छी है। एंड अगर आप लोग नहीं फॉलो करते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज़ नदीम अलबी व्लॉग्स। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लगा। एक रेड है और एक उसी के साथ में ग्रीन, मैट ग्रीन है, तो इन दोनों में से अगर आप लोग बुक करते हो कौन सा कलर बुक करते हो। और उसी के साथ में ये भी चीज़ बताना है कि मेरे को ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, दोबारा एक और खर्चा करेंगे। और उसी के साथ यहाँ का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, टेक केयर, बाय बाय।